आज एक दहलाकर रख देने वाली घटना हुई। दरअसल हुआ यूं कि कल शुक्रवार रात को दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद ISIS यानी इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया एंड इराक के ऑपरेटिव अब्दुल यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया विभाग के इनपुट पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये ऑपरेशन चलाया था। यूसुफ खान के पकड़े जाने के बाद NSG कमांडोज ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सहयोग और अब्दुल यूसुफ की निशानदेही पर दो प्रेशर कुकर बरामद किए हैं। 15 किलो IED को डिफ्यूज़ किया गया है। फिलहाल राजधानी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस और NSG के कमांडोज जगह जगह तैनात हैं। आशंका जताई जा रही है कि अन्य आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन रात भर चला और अब भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक यूसुफ के कुछ और शातिर साथी अभी भी दिल्ली में छिपे हो सकते हैं, इसलिए छापेमारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले त्योहारों के चलते भी आतंकी अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना में एक नई बात भी है। भारत में होने वाले ज़्यादातर आतंकी घटना लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के एसेट्स द्वारा की जाती हैं। इन्हीं तीन आतंकवादी संगठनों का नेटवर्क भारत में मुख्य रूप से सक्रिय है, पर इस बार दिल्ली को दहलानी कोशिश के तार खाड़ी देशों या कहें मिडिल ईस्ट के सबसे खूंखार संगठन ISIS यानी दाइश ने की है। ISIS पिछले कुछ सालों से भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगा है। हालांकि अब तक के आंकड़ों के अनुसार ISIS से जुड़ने वाले लोगों में 80% केरल राज्य से संबंधित है। ये आंकड़ा इतना बड़ा इसलिए भी है कि केरल के खाड़ी देशों में नौकरी करने और पढ़ाई करने चाकरी करने जाने वालों की एक बड़ी संख्या बड़ी तादाद होती है। अब ISIS क्या है? ISIS का गठन वर्ष जून 2014 में इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल की अल नूरी मस्जिद में हुआ, जब इसके मुखिया बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया और अपना अंतिम उद्देश्य इस्लामिक खलीफेट यानी साम्राज्य को स्थापित करना रखा, जिसका मतलब है पूरी दुनिया को इस्लाम में बदल देना। दिल्ली दंगों में प्रयोग किया गया नारा खिलाफत 2.0 भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि मिडिल ईस्ट का ये धार्मिक कट्टरपंथी खलीफा पद साल 2021 में ख़त्म कर दिया गया था। अंतिम खलीफा तुर्की से था। खुद को खलीफा घोषित करने के बाद बगदादी ने दुनिया भर के मुसलमानों से इससे जुड़ने का आह्वान किया और खिलाफत के विचारों को दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया। इसकी ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रेजेंस इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बनाती है। इसने इस्लाम के मजहबी उपदेशों को चरमपंथी कलेवर में पेश कर इंटरनेट के जाल से दुनिया भर में फैलाया और युवाओं को खासा प्रभावित किया। अपने दीन, अपने ईमान, अपने मजहब, इस्लाम पर तैयार किए गए किसी आभासी खतरे को बचाने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर, डॉक्टर्स और अन्य पेशेवर अपनी नौकरियां छोड़कर इराक पहुंचना शुरू हो गए। ज़मीन पर भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जुलाई 2014 तक ISIS ने पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। पूरा मध्य पूर्व वॉर जोन में तब्दील हो गया। लोगों के गले काटे गए, महिलाओं को रेप स्लेव बनाया गया, दुनिया भर में आतंकी हमले किए गए। अकेले इराक और सीरिया के लाखों लोग या तो मारे गए या करोड़ों लोग जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। भारत जो कि दुनिया में मुसलमानों की तीसरे सबसे बड़ी आबादी का पनाहगार है, इस तरह के कट्टरपंथी आतंकी संगठन के लिए उपजाऊ भूमि हो सकता था, पर दुनिया भर के मामलों से तुलना करने पर भारत में ISIS से जुड़े लोगों की संख्या नगण्य रही है। ISIS ने भारत में भी कदम जमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ एक महजबी उन्मादियों, सत्ता और धन के लालची को छोड़ दें तो देश के मुसलमानों ने उसे नकार दिया। पर आज हुई इस घटना ने सुरक्षा बलों को चेता दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने, CAA और राम मंदिर निर्माण से आहत ISIS भारतीय मुसलमानों को उकसाकर उत्तर भारत में अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। अपने टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व में कमजोर होता यह आतंकवादी संगठन अगर उत्तर भारत में पैर पसारने में कामयाब हुआ तो ये स्थिति निश्चित ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक होगी। अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखने पर उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए। शक ना करिए पर सतर्क जरूर रहिए। मेरा नाम विक्रांत है, आप द फोर्थ पिलर यानी TFP न्यूज देख रहे थे। और हाँ, आप ये खबर जहाँ भी देख रहे हैं हमें लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।